नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विधान परिषद का चुनाव होगा, जिसके लिए बीजेपी और सपा पार्टी में मंथन शुरू है। लेकिन इसी बीच बीजेपी एक ऐसा सियासी दांव खेलने जा रही है जिससे अखिलेश यादव की राह चुनाव में आसान नहीं होने वाली है। जैसे राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था, वैसे ही बीजेपी के इस प्लान से अखिलेश यादव को एक बार फिर झटका लग सकता है। तो क्या कुछ है बीजेपी का प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है। इस चुनाव में बीजेपी 10 और सपा 3 सीटों पर इलेक्शन जीत सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल को यूपी विधानसभा भेज सकते हैं। इसके अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी को भी पार्टी दोबारा MLC चुनाव में उतार सकती है। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक को फिर से रिपीट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता वाली सुबह सपा पार्टी से भी एक नाम भेजा जा सकता है। वहीं महेंद्र सिंह को फिर से विधान परिषद भेजा जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि मोहसिन रजा, अशोक धवन, अशोक कटारिया, बुक्कल नवाब, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, निर्मला पासवान को टिकट मिलने की संभावना पार्टी में बहुत कम है। इसके साथ ही यशवंत सिंह को फिर से रिपीट किया जा सकता है। यशवंत के बारे में बताया जा रहा है कि वो राजा भैया के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी का सहयोग किया था। ऐसे में यशवंत दोबारा विधानसभा जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव को भी बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है। उधर राष्ट्रीय लोक दल ने योगेश चौधरी को विधान परिषद के लिए टिकट भी दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इस MLC चुनाव में अपने सहयोगियों को भी भरपूर मौका देगी। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ये जानकारी सूत्रों की तरफ से सामने आई है। जो जानकारी सामने निकल कर आई है उससे एक बार फिर साफ हो रहा है कि बीजेपी हमेशा अपनी पार्टी में अपने सहयोगियों को प्राथमिकता देती है, जबकि अखिलेश यादव अपने परिवार को ही राजनीतिक फायदा पहुंचाते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।